हाँ सब ठीक चल रहा है। ठीक है सर, बाद में बात करता हूँ। हाँ नमस्कार सर, हमें रूम चाहिए, मिलेगा? हाँ रूम मिल जाएगा सर। ठीक है, क्या कॉस्ट है सर? 2000 रुपये। एसी चाहिए या नॉन एसी? नहीं एसी रूम चाहिए सर। तो एसी का 2000 रुपये। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मिल गया तरीका। ये लीजिए सर 2000 रुपये। मुझे रूम नंबर बता दीजिए सर। आईडी और दे दीजिए सर। आईडी? सर आईडी का, आईडी तो नहीं है हमारे पास। नहीं, आईडी के बगैर तो आजकल कोई भी होटल आपको रूम नहीं देगा। तो फिर सर इसमें आईडी की क्या जरूरत है? नहीं, आईडी की तो है ना, आप सीनियर पर्सन पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आईडी के बगैर थोड़ी होगा। अरे सर, फिर आपको जब पता है मैं सीनियर पर्सन हूँ, आपको मेरी पर्सनैलिटी को देख के लगता है क्या मैं कोई? चलो मैं आपकी आपकी पर्सनैलिटी को देख के दे दूं, लेकिन ये गुड़िया कौन है? ये फ्रेंड है मेरी। फ्रेंड है जी? आपने अपनी दाढ़ी के बाल देखे कितने सफेद है? अरे फिर क्या हो गया? फिर इतनी एज की है गुड़िया, कितने साल की होगी? 18-20 साल की होगी। और आपकी एज 50+। अरे तो फिर इससे आपको क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं है, आप दोनों आईडी दीजिए। सर आईडी का आप क्या करेंगे जब हमारे पास, मैंने बोल दिया मेरे पास आईडी नहीं है, और अगर फिर भी अगर आपको लगे तो सर कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये है हमारी आईडी, ये मेरी और ये मैडम की। ये क्या कर रहे हो आप, रिश्वत दे रहे हो? नहीं अरे नहीं नहीं है? अरे नहीं सर, मैं इसको रिश्वत नहीं बोलते, इसको बोलते मिठाई, बच्चों के लिए कुछ लेते जाना ना सर। ये मिठाई आप ही अपने बच्चों के लिए ले जाना, मेरे रूम के 2000 बनते हैं और 2000 मैंने ले लिए, आप सिर्फ आईडी दे दो, मैं आपको ताकि रूम नंबर दे दूं। सर आप बार बार में वही आईडी आईडी, सर क्या आईडी होता है एक बात बताओ, आपका काम है? अरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ तो होगा। अच्छा सर एक काम कीजिए, ये लीजिए सारी आईडी आप रखिए, मेरे पास अब कोई भी आईडी नहीं है, और शक्ल से तो आप काफी समझदार दिखते हैं। आपका काम है ना, जो रूम लेने के लिए आता है उससे पेमेंट लीजिए, रूम प्रोवाइड कीजिए, दैट्स ऑल। अरे ओ, मेरे चेहरे पर फद्दू लिखा है क्या, या चूतिए समझता है मुझे? इतनी बड़ी उम्र होके अब तू मुझे रिश्वत दे रहा है और मैं रिश्वत को ले लूं, और ये छोटी सी बच्ची के साथ तेरे को रूम में भेज दूं, फद्दू समझ रखा है होटल को? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रबिश टॉकिंग, व्हाट काइंड ऑफ रबिश यू आर टॉकिंग टू मी? कौन? मेरे को ज्यादा इंग्लिश समझाने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? एक काम कर, ये 2000 पकड़ और ये अपने उठा, बैठा पहले तो मेरे पास होटल में रूम है ही नहीं। पहले तो मेरी बात सुनो। हाँ तुम क्या सोचते हो, क्या सोचते हो? हुदा ब्लेडी हेल एम आई? जो तुम्हारा मालिक है ना इस होटल का, जो ओनर है, वो मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसको एक बार फोन कर दूं ना, तो एक बार फोन करने से तुम्हें एक मिनट के अंदर इस होटल से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। किस चीज का घमंड है तुझे? उसी मालिक के आदेश है, उसी मालिक के, उस मालिक का ये एक होटल नहीं है, 10 होटल है, उसी मालिक ने कह रखे है बगैर आइडेंटिफाई प्रूफ के आप किसी को यहाँ घुसने नहीं देंगे, आई समझ में? एक तुम्हारा ही होटल है क्या? अरे बहुत सारे होटल है, सारे होटल वाले मेरे को जानते हैं, सारा पुलिस प्रशासन मेरे को जानता है, डीएसपी के साथ मेरा उठना बैठना है, अगर मेरे से फालतू बदतमीजी की ना तो ऐसा केस रखवा दूंगा इस होटल को, तो करवा दूंगा बंद, और तेरी करवा दूंगा जेल, और कहूंगा कि यहाँ पे गलत काम होते हैं, लड़कियों को बुलवाया जाता है, यहाँ पे वेश्यावृत्ति का काम चलाते हो तुम लोग। वेश्यावृत्ति का तो तुमने फैला रखा है, जो इसको बता रहा है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आई समझ में? हां तो फ्रेंड है। और दूसरी बात सुन, क्या धमकी दे रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की? अगर तुम्हारी हिम्मत हो ना, पुलिस को अभी बुला, पुलिस के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं वो वक्त बताएगा, उसी पुलिस डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन पर चलता है जोगिंदर कुंडू। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, आई नो वेल व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। क्या क्या कह रहा है? कब करना है, क्या करना है? अरे करवा इसको बंद करवा, कमरा गया ऐसी तैसी में, तू अपनी ऐसी तैसी करवा, यहाँ पुलिस को बुला और सील करवा इस होटल को, और मेरे को अंदर करवा दे, तेरी माँ ने दूध पिया तो जा। मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे को ये देख के, इसी नौकरी से तेरे बच्चे पलते होंगे, तेरा घर परिवार चलता होगा, तब जाके मैं तेरी है ना कोई भी कंप्लेन नहीं करता हूँ। कौन सा बच्चे ऊपर वाला पालता है? कभी ये थिंकिंग हटा दे कि हम बच्चों को पालते हैं, ऊपर वाला पैदा करता है वो पालता है, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए भगवान ने आने दे, न कि तेरे जैसे दुष्कर्म करने के लिए। मेरे ऐसे इंसान को तो घुसने भी मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना मेरी एक बात सुन ले, मैं खुद देखूंगा, राजू मोहन नाम है मेरा, और मैं खुद देखूंगा तेरे को, तेरे इस होटल को, तेरे को जब पता चलेगा व्हेन यू वुड बी बिहाइंड द बार, जब तू तेरे की सलाखों के पीछे होगा। अरे जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जा बुला के लेके आ।
बनाया। और तेरे को मैं बुलाता हूँ पुलिस में, तू क्या बुलाएगा? मैं बुलाता हूँ पुलिस में, अभी फोन करता हूँ मैं, मेरे को धमकी देता है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनेंगे? हाँ बोलिए। एक बार सर ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए, मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ जो आपके पास रूम लेने के लिए आया हूँ। एक्चुअली आई एम एन ऑफिसर, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, मेरा नाम राजीव मोहन है एंड शी इज आवर एचसी और हेड कॉन्स्टेबल, और इनका नाम है सारिका। एक्चुअली हम दोनों यहाँ पे किसी कैंपेन के किसी इन्वेस्टिगेशन के इरादे से आए थे। अरे सर आपने फिर इस तरह का मेरे साथ बिहेव, मैंने भी पता नहीं क्या क्या आपको अनाप शनाप कह दिया। सॉरी सर, डजंट मैटर सर, डजंट मैटर, लेट दैट। लेकिन आपने इस तरह का ये क्यों किया सर? सर देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। एक्चुअली क्या है कि आज के दिन शहर के अंदर इतने होटल्स हो चुके हैं कि जहाँ पर नादान उम्र के लड़के लड़कियाँ वो नाजायज संबंध बनाते हैं एक दूसरे को लेकर के, वहाँ पे अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने ये एक कैंपेन चलाया है, इन्वेस्टिगेशन कैंपेन, जिसके थ्रू हम यहाँ पर आए ताकि हमारे को पता चले कि कहीं इस होटल के अंदर कोई नाजायज अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा लगा, आई फील रियली वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ कि आप इतने जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। थैंक यू सर, और अगेन सॉरी सर जो मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अरे सर नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाइस मीटिंग यू, कीप स्माइलिंग, वील मीट अगेन लेटर वेरी सून इन द फ्यूचर। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे। हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट, जो कि आए दिन शहरों में घटनाएं होती है, पता नहीं किसकी बहन बेटी बहुएं और बहला फुसला कर बातों में आ जाते हैं, तो बगैर आइडेंटिफाई के पैसे के लोग लालच में एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसे होटल वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बगैर आइडेंटिटी, कोई भी आईडी प्रूफ के बगैर आप किसी को एंट्री नहीं करने दें, और अच्छी तरह जांच पड़ताल करें कि ये लीगल है या नहीं, ये रिलेशन में है या अननोन ऐसे ही बहला फुसला के लेके आए हैं। तो हरे कृष्णा।